कंप्यूटर में आप सभी ने माउस का यूज किया होगा। आप जानते हैं वो किसने बनाया था? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? माउस का आविष्कार 1960 में डोगलस कार्ल एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोगलस कार्ल एंजलबर्ट द्वारा जो पहला माउस बनाया गया था वो एक लकड़ी का माउस था जिसमें धातु के दो पहिए लगे होते थे। जब माउस का आविष्कार हुआ तो उसके बाद इसके नामकरण की बात आई, लेकिन डिजाइनिंग के आधार पर यह देखा गया कि माउस एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक चूहा दुबक कर बैठा हो। साथ ही उसके पीछे से निकलने वाला जो वायर था वो एकदम चूहे की पूंछ जैसा होता था। सिर्फ यही नहीं, जैसे चूहा फुर्ती से सारा काम कर लेता है उसी तरह माउस भी सारे काम करता था। तो यही सब देखने के बाद उस डिवाइस का नाम माउस रखा गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।